Hi everyone, welcome to J Chemistry. So I have already uploaded part 1 of IR spectroscopy, जिसमें मैंने आपको basic introduction बताया था chapter का और values किस तरह से आती है. Correlation chart मैंने आपको अच्छे से explain किया था और जो spectra होता है उसके जो important points से मैंने आपको discuss किए थे interview point of view से भी और वैसे viva में जो पूछते हैं या फिर exam में जिस तरह के questions आते हैं. अब इस video में क्या करने वाली हूँ, टिपिकली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाली हूँ. इसमें क्या है, इसी तरह एग्जाम्पल्स जो होते हैं सीएसआईआर नेट या गेट में आते हैं, डायरेक्टली क्या होता है आपको इस तरह के दिए होते हैं जैसे एबीसी और आपको क्या करना होता है इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाना होता है. तो अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट एक बार आप जाके वो देख लो. उसमें एक्सप्लेन किया है कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से किस तरह से वैल्यूज पे इफेक्ट पड़ता है. तो अब इसमें क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट में ऑर्डर लगाने वाली हूँ. तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था जो भी कार्बोनिल होता है एल्डिहाइड कीटोन या फिर एसिड के केस में, जो कार्बोनिल है इसकी वैल्यू कहां तक आती है, इसकी आती है 1700 टू 1725, ये इसकी रेंज होती है. अब जो ये वाली रेंज है ये अगर थोड़ी सी चेंज हो जाती है कब, जो ग्रुप्स लगे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप्स लगे होंगे उनकी वजह से क्या होंगे, इसकी वैल्यू चेंज कर जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईआर फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला पोर्शन सेम है सीएचओ जितना, डिफरेंस क्या है यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओएमए है और यहाँ पे एनओ2. देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मैं आपको एक जनरल टिप देना चाहूंगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एबीसी का हमें ऑर्डर लगाना होता है, सबसे पहले आप एक काम करो, जो जो कॉमन चीजें हैं उनको नहीं देखना है. जैसे ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इन तीनों की वजह से. तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं किस तरह से होगा, इसकी वैल्यू ये जनरल है एग्जाम्पल, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा. मैंने बोला आपको रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, वैल्यू हमेशा डिक्रीज करते हैं. क्यों, क्योंकि क्या होता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. सपोज करो ऐसे होगी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही इधर नेगेटिव, और यहाँ पर पैरा पोजिशन में हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव. और उस पॉजिटिव को क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है ओएमए, ये क्या करेगा प्लस एम से उसको स्टेबिलाईज करेगा. तो ये किस तरह का बन जाएगा हमारे पास रेजोनेंस के बाद, ये हमारे पास कुछ किस तरह का बनेगा मॉलिक्यूल, ठीक है. और यहाँ पर क्या हुआ ओ माइनस और एच लगा हुआ इधर, और यहाँ पर आ गए डबल बॉन्ड. अब क्या हुआ, हमारे पास ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक में यहाँ पर डबल बोन है और एक में क्या है सिंगल बोन. तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसमें हो गया है पार्शियल डबल बोन कैरेक्टर, जबकि जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है हमारा ए उसमें क्या है कोई, हाँ उसमें भी देखो रेजोनेंस तो यहाँ पर भी हो सकती है नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, इसको हमने लगाया इधर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से. अब क्या है रेजोनेंस तो यहाँ पर हो रही है, मतलब क्या है इसका जो ये है डबल बोन ये तो यहाँ पर जा रहा है रेजोनेंस. तो क्या होगा, इसको हम मानते हैं कि सपोज यहाँ पर क्या है, चलो 100% जो सीएचओ ग्रुप क्या होता है वो माइनस एम शो करते हैं. हमने बोला कि ना क्या कर रही है 100% इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो यहाँ पर जा रही है, तो क्या कर रही है सीयू मतलब सिंगल बॉन्ड बना रही है. इस वाले केस में क्या हो रहा है, क्योंकि जो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये एच एस को इतना ज्यादा स्टेबिलाईज नहीं कर पाया था, बट ये कैच को अच्छे से स्टेबल कर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर होगा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा इस वाली पोजीशन पे वो स्टेबलाइज होगा ओएमए से, ठीक है. तो मैं इसको जनरली क्या करती हूँ, मैं परसेंटेज से देखती हूँ. सपोज करो इसको 100% माना है, तो यहाँ पर जो ये वाला कैरेक्टर होगा कितना आएगा, सपोज करती हूँ 120% हो गए, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल है. अब इस वाले केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो वैसे ही मैंने बॉन्ड ब्रेक किया नेगेटिव पॉजिटिव लगा के, अब क्या हुआ इस पोजिशन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, है ना. जैसे यहाँ पर कहता है वैसे एग्जैक्टली यहाँ पर भी करके देखा, हमें पता है जो NO2 होता है ये क्या करता है माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये पॉजिटिव को बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं करेगा. तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह की रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बोन कैरेक्टर ही रहेगा. अगर यहाँ पे डबल बोन कैरेक्टर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी सी वाले की वैल्यू. तो यही है ऑर्डर, पहले सी, उसके बाद इसका सिंगल बोन कैरेक्टर इस वाले कंपेरिजन में ज्यादा है. तो अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगी वैल्यू, सबसे कम. यहाँ पर हो गया ये, तो एक बार ऑर्डर हो गया ये. इसमें हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा मतलब बॉन्ड क्या हो गया वीक हो गया, बॉन्ड वीक होने की वजह से जो मैंने आपको बताया फोर्स कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, फ्रीक्वेंसी के. तो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, आई आर फ्रीक्वेंसी ओवरऑल डिक्रीज कर रही है. तो हम इस तरह से देखते हैं, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उतनी ज्यादा वैल्यू कम होती जाएगी, ओके. तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल ऑर्डर. इस वाले केस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो सी, ए वाले और जो ये वाला बी है इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखो
यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, हमारे पास क्या बन गया, ये कुछ इस तरह का बन गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये और ये आया पॉजिटिव। अब क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या फिर हम क्या बोले, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अगर इसके साइड में बात करें तो हम बोलेंगे पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस वाले की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इसे कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से, तो इसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी की ज्यादा आएगी, इसकी कम आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो भी जहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा माइनस आई, वहां पर क्या होता है, ये वाला ओवरऑल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने आपको कोरिलेशन चार्ट दिया था पहले वाले टेबल में, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हैलोजन लग जाते हैं किसी के साथ तो क्या होता है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1800 पर सेंटीमीटर पे आती है। इन दोनों के केसेस में क्या हैलाइड्स है, कार्बन के साथ जब भी हैलाइड लगा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, माइनस आई किसका ज्यादा होता है, मैंने आपको एक और बात बताई थी, हैलोजन के केस में हम सिर्फ क्या देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई भी एग्जांपल हो, वहां पर आप सिर्फ इसका माइनस आई इफेक्ट होगा हैलोजन के केस में। अब जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू सीएल। ओके, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी साइड, कार्बन इसको विड्रॉ करेगा, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस वाले केस में मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ए से। इतना क्लियर है, क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप मैं बी आर और आई लगा दू तो सबसे पहले फ्लोरिन देन क्लोरिन वाला एग्जाम्पल देन बी आर देन आई, इस तरह से होगा। अब हम देखते हैं बाकी तीन एग्जाम्पल्स में, देखो अब क्या लगाना है, हमें देखना है प्लस एम। प्लस एम कैसे करेंगे, देखो ये ऑक्सीजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी डिलोकलाइज होंगे और यहां पर भी होंगे। ठीक है, मैं ये मान रही हूं कि इसका 50% इस तरफ चला गया और 50% ये, मुझे ये 50% वाला मेथड मतलब ऐसे किसी बुक्स में नहीं लिखा होता, बट मैं मतलब क्वेश्चन गलत ना हो मैं उसको इस तरह से देखती हूँ, हो सकता है आपके लिए भी ट्रिक काम आए, मैं क्वेश्चन ऐसे निकालती हूँ। ठीक है, उसके लिए ईजी हो जाता है क्वेश्चन, तो हमें पता है कि यहाँ पर भी जिसने रेजोनेंस दिखानी है यहाँ पर भी दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं 50% यहाँ गया और 50% यहाँ चला गया। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, जो ये वाली ऑक्सीजन है एस्टर वाली ऑक्सीजन, ये क्या होगा, इसका 100% यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आर ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या है 100% क्या होगा, इसका डीलोकलाइजेशन होगा। तो परसेंटेज से क्या होगा, अगर 100% डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड जो है सिंगल जल्दी बनेगा कंपेरेटिवली, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डी की वैल्यू जो है कम है सी से, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, जो ऑक्सीजन के लोन प्रेस थोड़े से यहां पर आ रहे हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड जा रही है, तो इतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा इसके कंपेरिजन में। ओके, तो इन दोनों का ऑर्डर हमने इस तरह से लगा लिया। उसके बाद है लास्ट एग्जाम्पल, यहां पर देखो, यहां पर भी वही केस है, नाइट्रोजन के लोन प्रेस जाएंगे यहां पर इस तरह से, ये भी क्या है 100%। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, अब यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। अब हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा, ये अपने लोन पेयर्स इजिली देगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसलिए क्या होगा ई की वैल्यू जो है वो कम होगी डी से। अब हमने क्या किया, सबके रिलेशन निकाल लिए, हम ओवरऑल क्या करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको पता है हैलाइड केस में माइनस आ गया तो ये तो वैल्यू को इंक्रीज ही करेंगे हमेशा, तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर आ गया बी ए देन सी देन डी और सबसे लास्ट में ई, इस तरह से हमारा ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर इस केस में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर इसको आप परसेंटेज से करोगे कितना इतना परसेंटेज डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ऐसा कोई बुक में मेथड आपको नहीं मिलेगा, बस मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने के ऐसे बता रहा हूं। अब यहां पर देखते हैं हमें क्या करना है, कार्बन की निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा यहां पर, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगी। अब जो ये ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर्स यहां पर भी होंगे डीलोकलाइज और ये बेंजीन में भी हो सकते हैं इस तरह से नेगेटिव, उधर आगे पॉजिटिव, इधर भी जा सकते हैं। तो फिर से हम वही करेंगे, मानेंगे 50% यहां पर आ रहा है और 50% यहां पर जा रहा है। ठीक है, बाकी सबके परसेंटेज निकालते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, हम सिर्फ कार्बन को देखें, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, यहां भी जा सकते हैं और यहां पर भी जा सकते हैं, तो 50% यहां पर और 50% यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या डिफरेंस है, ये वाला पोर्शन सेम है, बेंजीन सेम है,
बस ये है कि यहाँ पे पैरा पोजिशन पे एच लगा हुआ है और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे नाइट्रो है। नाइट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रो करेगा। अगर हम COCH3 और NO2 की भी बात करें तो जो NO2 का माइनस आई या माइनस इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू COCH3। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 50% नहीं, यहाँ पे 60% ले लेगा सपोज, उसको इसको कितना देगा 40%, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 50-50%। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑक्सीजन का कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इस वाले में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बी की वैल्यू विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन ए। आपको समझ आया मैं कैसे बोल रही हूँ, आप सिर्फ एक परसेंटेज निकालना सीखो, इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। तो सपोज क्या मैंने आपको 40% डीलोकलाइजेशन, जितना कम डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड कनेक्टेड रहेगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर देखते क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीजन के लोन पर वहां तो नहीं जाने सकते, यही आएंगे, तो यहाँ पे 100% आएंगे। और ये क्या होगा, क्योंकि इसका माइनस एम इफेक्ट होता है ना, तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और यहां से भी आएगा ये, तो यहां से भी क्या आ रहा है 100% डीलोकलाइजेशन है। तो ये वाला बॉन्ड तो डबल बॉन्ड रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसको दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो सबसे कम हो जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, सी की वैल्यू सबसे कम, उसके बाद ए, और सबसे लास्ट में बी, इस तरह से हमारा निकल जाएगा ये वाला ऑर्डर। अब बाकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, सब में सिमिलर कंसेप्ट लगते हैं, मुझे इजी लगता है कि परसेंटेज लेके हम क्वेश्चन सोल्व कर लें। यहाँ पर देखते हैं, इधर आया नेगेटिव इधर पॉजिटिव ऑक्सीजन के, 100% यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब यहां से देखते क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अब यहाँ पर भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और बेंजीन में भी तो जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से डीलोकलाइजेशन तो होगा, तो हम क्या मानेंगे 50% यहाँ पर है और 50% यहाँ पर है। जितनी कम परसेंटेज आएगी उतनी ही वैल्यू ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड सिंगल इतना ज्यादा नहीं बनेगा जितना कि यहाँ पर बन रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जितनी कम परसेंटेज आएगी उतनी ही वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको दो कंसेप्ट बताने वाली हूँ। एक तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सर OH ग्रुप लगाया है, अब OH ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहाँ पर है लोन पेयर्स, ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक स्पेसिफिक रोल होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो किस तरह से होगा, अब जो ये लोन पेयर्स हैं इसके, ये क्या कर रहे हैं, अब ये इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में किसके साथ, ये दो लोन पेयर्स हैं तो ये इन्वॉल्व हो गए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाला बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ओवरऑल वीक हो जाता है। यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड वीकनिंग, बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी वहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो जो ये वाली रेजोनेंस है नेगेटिव पॉजिटिव इधर वाली, ये तो दोनों में कॉमन है, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो ये वाला ओवरऑल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होगा तो के की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होगी, तो इसलिए क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है, जिससे और ज्यादा क्लियर होगा। अब पहले ये देखते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह एग्जाम्पल्स दिए वो सारे वो सिमिलर से हैं, इसके से लेते हैं भाई अपना परसेंटेज लगाते हैं फिर से। ये है ऑक्सीजन, अब क्या होता है, यहाँ पे गया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, ये इधर आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे इधर पॉजिटिव आएगा ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हम ये हो सकते हैं, फिर इस तरह से तो हो सकता है, ये इधर ये नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे 50% सपोज करते हैं यहाँ पर आ रहे हैं और 50% सपोज करते हैं यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले केस में इस ऑक्सीजन के यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप या रेजोनेंस वाला कुछ सीन नहीं है, तो इसके 100% इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे यहाँ पर, ऐसे ही इस डबल बॉन्ड के भी क्या होंगे 100% डीलोकलाइज होंगे कार्बोन के साथ। इस वाले केस में इस ऑक्सीजन के 100% यहाँ पर जाएंगे,
अब हम क्या करते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन कहां पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पर होगा डिलोकलाइजेशन वहां का बोन वीक हो जाएगा, सिंगल बोन बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओवरऑल कितना आया है 50%, यहाँ पर आया है 100+100 200%, और यहाँ पर है कितना 100%। बस यही देखना है, जहां पर परसेंटेज सबसे कम है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए देन सी और सबसे लास्ट में बी। ठीक है, तो हम जैसे मर्जी याद कर लो कि हम सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वैल्यू सबसे कम होगी। ओके, और ए वाले केस में सिर्फ 50% है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर बेसिस, सबसे सिमिलर कंसेप्ट ये वाला क्वेश्चन है, आप उसको वीडियो में यहीं पर पोस्ट करो और वाले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, आप इजीली कर लोगे। ओके, अब मेरे बात कैसे करेंगे, फिर से वही, मुझे तो सबसे इजी लगता है परसेंटेज लिखना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस जो ये ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर्स को मैं यहाँ पर भी डिलोकलाइज कर लूंगी, यहाँ पर आएंगे 50% और 50% इसके साथ चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस वाले केस में यहां से भी आएगा 100% और यहां से भी आएगा 100%, क्योंकि साइड कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नहीं। इस वाले केस में क्या होगा, ये आएगा 100%, और फिर से देखते हैं कितना है, ये 50, ये 200, ये 100। तो 50 है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ए, यहां पर 200 है इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और उसके बाद सी। ये ऑर्डर हो गया सेम ऊपर वाले जैसे। ठीक है, अब जो ये लास्ट एग्जांपल है इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रिंग साइज पे, क्योंकि देखो कार्बन है तो सब में लगा हुआ, बस रिंग का साइज डिफरेंट है, 3 मेंबर 4 मेंबर 5 6 7 मेंबर रिंग इस तरह से है, तो ये क्या है, रिंग साइज। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है मैं आपको कैसे बताती हूँ, जैसे सपोज करो आपके पास जो साइक्लोप्रोपेन होता है, ये हमारे मरकज के हैं साइक्लोप्रोपेन, अब इसका जो एक्चुअल एंगल होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, दो एच भी लगे हुए हैं, यहाँ पे ये दो एच भी लगे हुए हैं, तो क्या है, इस कार्बन के कितने हैं, चार बॉन्ड्स हैं, है ना। और जो टेट्राहेड्रल कार्बन होगा, मतलब कि किसी कार्बन पे चार है तो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है 109.4 डिग्री, इतना एंगल हमें चाहिए। अगर इतना एंगल है तो उस कार्बन में कोई स्ट्रेन नहीं है, बट ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, मतलब ट्राइंगल जैसा है ना, तो ट्राइंगल एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या है 60 डिग्री। हमें एक्चुअल एंगल चाहिए कितना होता है 109.4 डिग्री, और ये है कितना 60 डिग्री, जो डिफरेंस कितना ज्यादा है, रफली अराउंड 50 डिग्री ज्यादा है ये, इससे हमें 60 में इतना एड करना पड़ेगा, जब जाने के लिए इतना स्टीक करूंगा 40। ठीक है, 40-50 में कुछ एड करना पड़ेगा, इतना ज्यादा क्या है इसमें स्ट्रेन है, तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेन, जब वैल्यू इतनी ज्यादा है एक्चुअल एंगल से, तो इसकी वजह से क्या होगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, देखो जितना एंगल कम होता जाता है एस्केलेटर उतना ही कम होता जाता है, डज दिस मेक सेंस टू यू, मैं बोल रही हूँ कि जितना एंगल कम होगा उतना ही एस्केलेटर कम होगा। देखो जैसे एसपी एसपी टू एसपी थ्री ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, एसपी के केस में क्या होता है, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है 50% एस्केलेटर, यहाँ पर कितना है 33.3%, और यहाँ पर कितना है 25%। ये मैंने कैसे निकाला है, आई होप आपको आता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो है ना, ये 200/2 कर रहे तो कितना आया 50% ईच, यहाँ पे एस पी पी टी है टोटल 200/3, और यहाँ पर कितने हैं 3 P है और एक S है, 200/4, इस तरह से क्या हुआ, S करेक्ट आ गया 25%। अब देखो SP जो होता है उसमें एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है ना, तो जब 50% S करेक्ट होता है तो एंगल होता है 180 डिग्री, और जब SP2 है मतलब 33.3% है S करेक्ट, तो एंगल कितना होता है, SP2 मतलब प्लेनर, इस तरह का एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और ये क्या है SP3 इसमें एंगल कितना है 109.4 डिग्री। तो यहाँ पर देखो जितना ज्यादा S करेक्टर है उतना ही ज्यादा एंगल भी है, ये वाला जो कंसेप्ट है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी इसमें ये वाला यूज होने वाला कंसेप्ट। अब क्या है, यहाँ पर जितना ज्यादा S करेक्टर है उतना ही ज्यादा एंगल भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो एंगल कम है, अगर यहाँ पर एंगल कम है तो यहाँ पे क्या होगा, S करेक्टर कम हो जाएगा, S करेक्टर लेस, जितना SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जितना S करेक्टर होना चाहिए उतना यहाँ पे S करेक्टर नहीं है, उससे कम है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं S करेक्टर, या फिर एक और ऑर्डर है कि देखो जितना ज्यादा S करेक्टर होता है उतना ज्यादा एंगल होता है ना, और जितना ज्यादा P करेक्टर होता है उतना एंगल कम होता है, यहाँ पे P करेक्टर कैसे भी ज्यादा 75% है,
75% भी करेक्ट होना है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 66%, और यहाँ पर है 50%। तो जितना ज्यादा पी कैरेक्टर होगा उतना ही एंगल कम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एंगल कम है तो यहाँ पे मतलब क्या है, पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो जो अंदर वाले बोन्स होते हैं इनमें क्या है, पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जो ये बाहर वाले बोन है बैलेंस करने के लिए इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है साइक्लोप्रोपेन के केस में, ठीक है। और एस कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बोन स्ट्रेंथ के। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बोन उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। आपको समझ आया इतना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, देखो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 60 डिग्री चाहिए। यहाँ पे एंगल कितना होता है 60 डिग्री, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम सबके निकालेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है इस केस में है, और सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर क्या होगा, इन वाले दोनों बोन्स में, बाहर वाले जो बोन्स हैं उनमें क्या होगा, मैक्सिमम एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर से मैंने आपको अभी बताया क्या होती है, बोन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एस कैरेक्टर की वजह से ट्रिपल बोन है ना, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही बोन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या करेंगे, ऑर्डर यूज है, ये हमारा सिंपल ऑर्डर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या है, इस वाले बोन में ज्यादा है, हम कंपेरिजन इनका कर रहे हैं। इन सब में सारे लिंक्स में स्ट्रेन है, बस ये है कि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, तो एस कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा है। अब ये वाले एग्जांपल्स खत्म होते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सारे एग्जांपल्स ही कवर करवाने वाली हूँ, जितने नेट और गेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं मैं आपको वैसे कवर करवाऊंगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने ना नोटिस किया है कि जैसे मैं कोई चैप्टर या कुछ भी पढ़ा देती हूँ कोई टॉपिक, तो ना फिर नीचे कमेंट्स आते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, या फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं सोच ही रही हूँ कि आपको जितने भी डाउट्स आते हैं, ठीक है, आप मुझे या तो मेल कर दो, मैं आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, या तो मुझे आप उस आईडी पे मेल कर दो, या फिर अपने कमेंट्स में अगर सिंपल लिखने वाला है जैसे आप लिख सकते हो, तो मुझे क्या करो, कमेंट्स में लिख के बता दो। तो मैं क्या करूंगी, वीक में एक बार, जैसे आज संडे है सपोज, तो नेक्स्ट संडे में क्या करूंगी, वो जितने भी डाउट्स आए होंगे आपके पूरे वीक में, उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें डाउट वीडियो के नाम से एक वीडियो आएगी, जिसमें आप जितने भी क्वेश्चंस पूछोगे मुझसे डाउट की, मैं वो सॉल्व करके उस वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे अगर कोई फोटो है, कोई क्वेश्चन है जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा, वो तो मुझे मेल कर दो, और अगर डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है। तो इस तरह से हर वीक में आपके जितने भी डाउट होंगे पूरे वीक के, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।